बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर पे सबसे पहले अमीडियो एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था, तो उसने इस पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। वो अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो एटम्स होंगे, अगर वो कंपाउंड की फॉर्म में है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो कितने वन मोल में मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या वो आयनिक कंपाउंड है, क्रिस्टल कंपाउंड है तो उसके कितने आयंस पर मोल या फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पे सर तो उसने मुख्तलिफ अमीडियो एवोगैड्रो ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उसके नतीजे में वो इस नतीजे पे पहुंचा कि वन मोल आप किसी एलिमेंट का कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का या क्रिस्टल का यानी कंपाउंड का ले लें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो होंगे 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। अब कहीं पर बुक्स में या आपको ये नज़र आ रहा होगा 6.023 और कहीं पर 6.022, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आप 23 भी लिख सकते हैं या और 6.022 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय NA। N से जो है नंबर इंडिकेट करता है और सबस्क्रिप्ट में A लिख लें कैपिटल में, तो A किसको वो करता है रिप्रेजेंट, एवोगैड्रो को। तो ये जो एवोगैड्रो नंबर्स है ये अमीडियो एवोगैड्रो साइंटिस्ट के हानर में इसको ये नाम दिया गया। अब हम एग्जांपल में आते हैं तो एग्जांपल से ये और भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर हम कहें कि मैंने वन मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया है, अब हाइड्रोजन मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिया बल्कि मैंने एलिमेंटल फॉर्म में यानी एटॉमिक की फॉर्म में लिया कि उसमें सारे हाइड्रोजन की क्या हैं एटम्स हैं, तो मैं कहता हूं कि वन ग्राम वन मोल है उसमें वन ग्राम होते हैं। ठीक है, उसका मास वन ग्राम होगा मोलर मास और उसमें वन ग्राम आप जब लेंगे हाइड्रोजन में तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, वो 6.022 × 10³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और अगर इसी तरह मैं वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लूँ तो वो कितने के बराबर होगा, वो 2 ग्राम के बराबर होगा, और 2 ग्राम में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, वो भी 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह अगर हम वन मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस लें तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे, वो 6.022 × 10³ और इन सब का जो वेट आएगा आपके पास वो कितना होगा, 28 ग्राम। यानी एक नाइट्रोजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या है, 14 है, और दो एटम्स पर मॉलिक्यूल हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 28 को हम जब ग्राम में करेंगे तो 1 मोल हो जाएगा। अब 28 ग्राम जब आप लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होंगे, कितने होंगे, 6.022 × 10³। इसी तरह मैं अगर आयनिक कंपाउंड की तरफ आऊँ और उसमें जो बेस्ट एग्जांपल है और सिंपल एग्जांपल है वो है टेबल साल्ट यानी NaCl। तो NaCl का आप 1 मोल जब लेंगे तो वो कितने के बराबर होगा, 58.5 ग्राम्स। ठीक है, तो 58.5 ग्राम जब आप लेंगे NaCl तो उसमें नंबर ऑफ आयंस सोडियम और क्लोरीन के कितने होंगे, वो होंगे 6.022 × 10³ आयंस। तो इसी के लिए हमने एक फार्मूला भी डिराइव किया हुआ है कि मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस को किस तरह कोरिलेट हम करते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, तो वो भी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं कि एलिमेंटल फॉर्म है तो नंबर ऑफ एटम्स होगा, और अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म है, कंपाउंड की फॉर्म है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे, और नीचे जो आएंगे उसमें वो डिनोमिनेटर में तो एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा यानी NA आ जाएगा। अब एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी, और इसको याद करने कितनी है, 6.022 × 10³ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं उसी तरह मॉलिक्यूल या आयंस हो सकते हैं।
ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आपको जो दिए गए होंगे तो उससे आप मोल्स निकाल सकते हैं, या आपको अगर मोल दिया गया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल आप निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।